नमस्कार बच्चों, मैं नीलू महिकवार शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला महामरा जिला दुर्ग से। आज मैं आपके सामने छत्तीसगढ़ भारती कक्षा 8वीं के पाठ 18 ब्रज माधुरी लेकर आई हूँ, जिसे कि पद्माकर हरिश्चंद और बेनी जी के द्वारा सृजित किया गया है। आइए आगे चलते हैं। बच्चों, जो ब्रज भाषा है वह मूलतः ब्रज क्षेत्र की भाषा है और यह विक्रम की 13वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक जो है भारत में एक साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित रही। आज भी जो यह भाषा है अलग अलग क्षेत्रों में जैसे कि मथुरा, आगरा और अलीगढ़ जिलों में बोली जाती है। अगर आप इन स्थानों पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर ब्रज भाषा ही सुनने को मिलेगा। इसे हम जो है केंद्रीय ब्रज भाषा भी कहते हैं। प्रारंभ में ब्रज भाषा में ही काव्य रचना हुई, जैसे कि भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, तथा आरंभिक वर्षों में प्रचुर मात्रा में जो है साहित्य सृजन इस भाषा में हुआ, जिनमें सूरदास, रहीम, रसखान, बिहारी, केशव, घनानंद, भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद आदि ये प्रमुख कवि हैं जिन्होंने है ब्रज भाषा में ही कविताएं लिखी। प्रस्तुत पद में भक्ति और श्रृंगार के जो भाव है उसका सामर्थ्य और प्रवाह को इसमें देखा जा सकता है। आइए बच्चों वाचन करते हैं। पाठ 18 ब्रज माधुरी। चितय चितय चारों ओर चौकी चौकी परैत्यों ही, जहाँ तहाँ जब तब खटकत पात है, भाजन सो चाहत गवार ग्वालिनी के कछु, डरनी डराने से उठाने रोम गात है। आइए बच्चों, इसमें से कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हम देख लेते हैं ताकि आपको इनके भावार्थ जो है अच्छी तरह से समझ आ सके। चितय चितय टोह या आहट लेते हुए, खटकना आहट होना, भाजन भागना और रोम देह के बाल या रोया। तो बच्चों यहाँ पर इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के जो है एक शरारत भरी लीला का सुंदर वर्णन किया गया है। कैसी शरारत? जिसमें वह क्या कर रहे हैं, दही चुरा रहे हैं, उसका यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। तो बच्चों यहाँ पर कवि हमें बता रहे हैं कि जब श्री कृष्ण अपने सखा अपने बाल मित्र के साथ ग्वालिनों के यहाँ दही चुराने के लिए जब जाते हैं, तब वहाँ पर वह क्या करते हैं, टोह ले रहे हैं, आहट ले रहे हैं। क्या टोह ले रहे हैं बार बार, कि जब वह दही चुराने का कार्य कर रहे हैं तब वहाँ पर एक पत्ता भी खटकता है या किसी के आने का एक आवाज़ भी आती है, तब वो क्या हो जाते हैं, एकदम से डर जाते हैं कि कोई ग्वालिनी उनको दही चुराते हुए देख ना ले। और इस कारण से डर के कारण क्या हो जाता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बच्चों जब आप भी कोई इस तरह के नटखट कार्य करते हैं या जब आप छोटे रहे होंगे तो कुछ ऐसे ही अपने घर वालों से बिना पूछे कोई चीज़ आप निकालते हैं, है ना, तब हमको अपने अंदर एक डर भरा होता है। तो वैसे ही यहाँ पर श्री कृष्ण भी जब दही चुरा रहे हैं अपने बाल सखा मित्र के साथ, तब जब थोड़े से भी एक पत्ते का भी खटकने का उड़ने का आवाज आता है तब वो क्या हो जाते हैं, एकदम से डर जाते हैं और वो देखते हैं कि कोई ग्वालिनी जो है उनको देख ना ले। और उस डर के ही कारण क्या होता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसके देह के जो बाल है वो खड़े हो जाते हैं डर के कारण। तो बच्चों क्या आपके साथ भी बचपन में ऐसा कोई घटना घटी है जिसमें आपने अनजाने में ही कोई ऐसा कोई कार्य किया होगा? याद आ रही है। कभी आपने कोई ऐसा कार्य किया है? क्या आपने बचपन में कोई चीज़ चुराने का प्रयास किया है अनजाने में? अच्छा, आयुष यहाँ पर कह रहे हैं कि उन्होंने जब उसकी तबीयत खराब थी तब उसने क्या किया था, चॉकलेट चुराया था और उसे चुरा कर उन्होंने खाया था। और वो ये भी कह रहे हैं कि और मुझे बाद में बहुत डांट भी पड़ी थी। तो बच्चों यहाँ पर इस कविता में जो है वात्सल्य रस है, ठीक है बच्चों, और कवि ने इन पंक्तियों में जो है एक छोटे से बालक की जो है उसकी नटखट प्रवृत्ति है, उसकी चंचलता का वर्णन यहाँ पर उन्होंने किया है। आइए बच्चों आगे चलते हैं। कहे पद्माकर सुदेखी दशा मोहन की, शेष हूँ महेश हूँ सुरेश हूँ सिहात है, एक पाय भीत एक पाय मीत कांधे धरे, एक हाथ छीकव एक हाथ दधी खात है। आइए बच्चों अब हम शब्दार्थ देखते हैं। छीका, बच्चों आपने देखा है छीका आपके घर में है,
या आपने अपने दादा दादी या नाना नानी के गांव में अगर आपने देखा होगा, ये अधिकतर आपको गांव में ही देखने को मिलेगा। तो क्या आपने देखा है? आइए बच्चों, मैं आपको दिखाती हूँ। तो बच्चों, आप ये मेरे हाथ में जो देख रहे हैं, यही क्या है? छीका है, ठीक है, जो कि एक रस्सी से लटकता हुआ आपको दिख रहा होगा, और जिसे हम बिल्ली या किसी भी ऐसे जानवर के डर से हम क्या करते हैं, दूध या खाने की दूसरी वस्तुएं हैं उसे हम बचाने के लिए, अधिकतर हम बिल्ली से बचाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, और इसे हम किसी ऐसी ऊंचाई पर टंगा देते हैं जहां पर बिल्ली इसे झपट ना सके। ठीक है बच्चों, तो ये आपने देखा छीका। इसे आप भी अपने घर में बना सकते हैं, किसी वस्तु को ऐसे लटका कर रख सकते हैं। आगे जो है पद्माकर कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की उस दशा को देखकर क्या हो रहे हैं? आनंदित हो रहे हैं। उसके उस नटखट प्रवृत्ति को, उसकी चंचलता को, उसकी दही चुराने की उस बाल क्रीड़ा को देखकर जो है वो बहुत ही आनंदित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि उसमें उनकी नटखट प्रवृत्ति का उनको क्या हो रहा है? पता चल रहा है। अब यहाँ पर ये है कि वो ये सोचकर भी आश्चर्य है कि जो पूरे विश्व के पालनहार हैं, लोगों को पालने वाले हैं, है ना, वो खुद ही दही चुराते समय क्या हो रहे हैं? डर जा रहे हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। शेष हूँ महेश हूँ सुरेश हूँ सिहात है। यहाँ पर जो शेष नाग है, शंकर जी हैं, इंद्र हैं, वो सभी क्या हो रहे हैं? उसके इस बाल क्रीड़ा को देखकर सभी आनंदित और खुश हो रहे हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण जो है दही चुराने के लिए कैसे कर रहे हैं, किस तरह से वो दही चुराने का कार्य कर रहे हैं बच्चों? यहाँ पर जो श्री कृष्ण है वह अपना एक पाँव, अपना जो एक पैर है, भीत भीत मतलब दीवार, तो अपना एक पैर जो है वह दीवार पर रखे हैं और एक अपना पैर कहाँ पर रखे हैं? मीत मतलब अपने सखा मित्र के कांधे पर। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण जो है अपना एक पैर दीवार पर और एक पैर जो है अपने मित्र के कांधे पर रखे हुए हैं और एक हाथ से जो है दही चुरा कर वह खा रहे हैं। आइए बच्चों आगे की पंक्तियों को देखते हैं। पंकज कोश में भृंग फंसियो, करताओ अपने मन यो मनसूबा, होइगो प्रात उइंगे दिवाकर, जाऊंगो धाम पराग लय खूबा, बेनी सो बीच ही और भय नहीं काल को, ध्यान न जान अजूबा, आए गयन चबाए लियो, रही गो मन ही मन यो मनसूबा। तो बच्चों इसमें से कुछ कठिन जो शब्द आए हैं उसके हम अर्थ देख लेते हैं। पंकज कमल आप सभी ने देखा होगा, भृंग भौरा भ्रमर, अजूबा अद्भुत अनोखा अनूठा, गयन बड़ा हाथी, आप सभी ने देखा होगा हाथी देखा है बिल्कुल। मनसूबा उत्साहित होना हौसला करना, धाम स्थान ठौर अपना गृह या आश्रय स्थल। तो बच्चों इस पंक्ति में जो कवि ने है वो काल जो मृत्यु है उसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया है। भौरा जो है कमल के बीच में फंस जाता है। कैसे फंस जाता है? कमल का वह रसपान करने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही शाम होता है कमल जो है क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, और जो उसके अंदर जो है भौरा भी क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, और वो अपने मन ही मन विचार करता है कि कल जब जैसे ही सुबह होगी वह क्या होगा, यहाँ से उड़ जाएगा और बाहर निकलकर पुनः रसपान कर लेगा। लेकिन यहाँ पर जो है भौरे को अपने काल का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है, वह अनभिज्ञ रहता है अपने मृत्यु से। यहाँ पर बेनी जी कह रहे हैं कि उसको बिल्कुल भी अपने काल का अपने मृत्यु का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, उससे क्या है वो बिल्कुल अनजान है। और अगली सुबह जैसे ही सुबह होता है एक बड़ा सा हाथी आता है और उस कमल को चबा लेता है, और जो भौंरा है वह क्या हो जाता है? काल के गाल में मतलब समा जाता है, क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, और अपने मन में वह जो भी विचार किए रहता है सोचे रहता है वह सब क्या रह जाता है? धरा का धरा रह जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि एक भौरे का जो विचार रहता है और वह जो आगे
के लिए जो सोचा रहता है वो क्या हो जाता है, वहीं का वहीं रह जाता है, क्योंकि वह अपने काल अपने मृत्यु से क्या है, अनभिज्ञ है, उसको उसको बिल्कुल भी भान नहीं था। तो बच्चों, हम मनुष्यों की भी यही स्थिति होती है, जैसे भौरे की स्थिति उत्पन्न हुई वैसे ही हम मनुष्यों की भी यही स्थिति होती है। इसलिए हमें जो कार्य करना है वो आज के आज ही कर लेना चाहिए, कल पर हमें उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर इस पंक्ति में जो है शांत रस है, और परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन को जो शांति मिलती है वहाँ पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। आइए बच्चों आगे चलते हैं। सखी हम काह करें कित जाएं, बिनु देखे वह मोहनी मूर्ति नैना नाही अघाए, बैठत उठत सयन सोवत निस चलत फिरत सब ठौर, नैनन ते वह रूप रसीलो टरत ना एक पल और। बच्चों कठिन शब्द के अर्थ देख लेते हैं। अघाना, अघाना तृप्त होना। तो बच्चों यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने जो सखी है उसके मन की व्यथा का यहाँ पर बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, और कृष्ण के प्रति गोपियों का जो प्रेम भाव है, स्नेह है, जो लगाव है, उसको भी यहाँ पर प्रकट किया गया है। तो बच्चों यहाँ पर एक सखी जो है दूसरी सखी से अपने मन की व्यथा कह रही है। बच्चों जब आप किसी चीज़ से परेशान होते हैं, घर में आपको डांट पड़ती है, तब आप अपनी बात जो है किससे कहते हैं, किससे कहते हैं, अपने सहेलियों से कहते हैं, आप जो आपके बहुत करीब होते हैं उसे आप अपने मन की बात बताते हैं। तो यहाँ पर भी जो है एक सखी जो है अपनी दूसरी सखी से अपने मन की व्यथा को यहाँ पर बता रही है, और कह रही है कि वह श्री कृष्ण की मोहनी मूरत को देखे बिना नहीं रह सकती है। उसके आँखों में तो क्या है, श्री कृष्ण की मोहनी मूरत बसी हुई है, उसकी आँखें जो है उसको देखकर बिल्कुल भी नहीं क्या नहीं होती है, अघाती नहीं है। जब तक उसको, जब तक वह श्री कृष्ण को देख नहीं लेती है, उसकी मोहनी मूरत को देख नहीं लेती है, तब तक उसकी आँखें, उसके जो नैन है वो तृप्त नहीं होते हैं। आगे जो सखी है वो कह रही है कि बैठते उठते चलते सोते जागते जहाँ भी वह जाती है, सब जगह उसकी ही क्या दिखाई देती है, उसकी ही मूरत उसके आँखों में उसको दिखाई देता है। और आगे वह कह रही है कि नैनंते वह रूप रसीलो, उसका जो रसीला रूप है एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी क्या नहीं होता है, उसके आँखों से बिल्कुल भी ओझल नहीं होता है। उसके आँखों में तो श्री कृष्ण की मोहनी मूरत ही बसी हुई है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। सुमिरन वही ध्यान उनको ही मुख में उनको नाम, दूजी और नाही गति मेरी बिनु मोहन घनश्याम, सब ब्रज बरजौ परिजन खीजौ हमरे तो अति प्राण, हरिचन हम मगन प्रेम रस सूझत नाही न आन। कठिन शब्द देखते हैं बच्चों। गति, गति अवस्था दशा हालत, सुमिरन स्मरण। तो बच्चों यहाँ पर कवि जो है वो बता रहे हैं कि उनके मुख में तो है ना, जो सखी है उसके मुख में क्या है, हर समय किसका ध्यान है, वो किसका नाम सुमरते हैं, उसके मुंह से किसका नाम निकलता है, श्री कृष्ण का। और आगे सखी कह रही है कि दूजी और ना ही गति मेरी बिनु मोहन घनश्याम, कि इसके सिवा क्या नहीं है, और कोई भी चीज़ उसको बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, उसके हर चीज़ में कौन बसा हुआ है, मोहन ही बसे हुए हैं, मोहन अर्थात श्री कृष्ण ही उसके हृदय में, उसके मन में, उसके मुख में, उनके आँखों में, सब जगह श्री कृष्ण ही बसे हुए हैं। और इस कारण से सब ब्रज बरजौ परिजन खीजौ हमरे तो अति प्राण, और इसके कारण जो उसके परिवार वाले हैं सब उससे क्या करते हैं, उससे चिढ़ते हैं। हरिचन हम मगन प्रेम रस सूझत नाही नान, और आगे कह रहे हैं कि उसके अलावा, श्री कृष्ण के अलावा, उसके प्रेम के अलावा उसको आगे कुछ भी नहीं सूझता है, वह हमेशा उसके प्रेम रस में ही हमेशा क्या रहती है, डूबी रहती है। और इस तरह से यहाँ पर जो एक सखी है अपनी दूसरी सखी से अपने मन की व्यथा है उसको यहाँ पर व्यक्त कर रही है। आइए बच्चों आगे चलते हैं। बच्चों इस पंक्ति में जो है वियोग श्रृंगार रस है, क्योंकि यहाँ पर सखियों ने श्री कृष्ण जी के वियोग में अपनी पीड़ा का वर्णन किया है। आइए बच्चों अब हम बोध प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है, भौरे की इच्छाओं का अंत कैसे हुआ? बताइए बच्चों, भौरे की जो इच्छा है उसका अंत कैसे हो गया, क्योंकि वह तो अपने काल से अनजान था। तो बच्चों, सुबह होते ही हाथी जो है कमल के फूल को खा जाता है और भौरा कमल के बीच में ही फंसकर मर जाता है। तो इस प्रकार से उस भौरे की इच्छाओं का यहाँ पर अंत हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नैना अघाने का क्या आशय है? तो बिना श्री कृष्ण की मोहनी सूरत को देखकर आंखें तृप्त नहीं होती है, तो नैना अघाने का आशय यही है। आइए बच्चों, आगे हम चलते हैं। इस पंक्तियों में जो है कुछ अलंकार भी आए हैं इस पाठ में, उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अलंकार किसे कहते हैं। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ है बच्चों आभूषण या जेवर। तो बच्चों बताइए कि आप अपने आप को और अच्छा दिखाने के लिए, अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, सुंदर दिखने के लिए क्या करते हैं आप? बहुत सारे आभूषण या जेवर आप उपयोग करते हैं, अच्छे अच्छे ड्रेस पहनते हैं, ठीक है बच्चों? तो इसी प्रकार से जिस प्रकार एक नारी जो है ना, और बालिकाएं जो है अपने आप को और अच्छा सुंदर दिखाने के लिए आभूषण या जेवर धारण करती है, उसी प्रकार से काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले जो कारक होते हैं, जो तत्व होते हैं, जो गुण होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो शब्द और अर्थ की जो शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व है, उसे ही हम क्या कहेंगे? अलंकार कहते हैं। और जो अलंकार को ही काव्य की आत्मा माना गया है। इस पाठ में जो है अनुप्रास अलंकार आया है, उसका उदाहरण हम देखते हैं। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। तो बच्चों, जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है ना, एक से अधिक बार मतलब बार बार होती है, वहाँ पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर एक शब्द आया है बच्चों आवृत्ति। तो आवृत्ति का अर्थ है किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना, उसे हम कहते हैं आवृत्ति। आइए उदाहरण हम देखते हैं। चंदा चमके चम चम चम, चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरा चीनी खोर। इसे तो आप सभी को बहुत अच्छे से याद होगा, आपने सुना भी होगा। तो बच्चों बताइए कि यहाँ पर कौन से वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, बताइए। चंदा चमके चम चम चम, चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरा चीनी खोर। तो इसमें जो है च वर्ण की जो आवृत्ति है वह एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। आइए बच्चों, अब आप एक और उदाहरण है आपके सामने, उसे आप बताइएगा आप सभी। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। बताइए बच्चों अब आप कि इसमें कौन से वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, बताइए बच्चों। अच्छा, नीलम कह रही है कि इसमें ख वर्ण की जो आवृत्ति है वह एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। तो बच्चों, ये जो दो उदाहरण मैंने आपको बताए हैं वह ऐसे उदाहरण है जिसे आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है बच्चों? इसे आपने सुना भी होगा और इसे आपको याद भी होगा। तो जब भी आपको अनुप्रास अलंकार जानना हो, पहचानना हो, तो आप इस दोनों उदाहरणों को याद करेगा, उसके बाद आप जो है अनुप्रास अलंकार बहुत अच्छे से बना पाएंगे, पहचान पाएंगे। आइए बच्चों, इस पाठ के कुछ उदाहरण हम देखते हैं। चितय चितय चारों ओर, चौकी चौकी परै त्यों ही। तो बताइए बच्चों, इसमें कौन से वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, बताइए। अच्छा, ध्रुव कुमार कह रहे हैं कि इसमें च वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, तो बहुत बढ़िया ध्रुव। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। जहाँ तहाँ जब तब खटकत पात है, बताइए बच्चों कौन से वर्ण की यहाँ पर आवृत्ति जो है एक से अधिक बार हुई है। और एक उदाहरण और भी है हमारे पास, डरनी डराने से उठाने रोम गात है, बताइए कौन से वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, बताइए। अच्छा, ललिता कह रही हैं कि यहाँ पर ड वर्ण की आवृत्ति जो है एक से अधिक बार हुई है, बहुत बढ़िया ललिता, बिल्कुल सही पहचाना आपने। तो इसमें जो है ड वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यह क्या है? अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। तो आइए बच्चों,
यह जो पाठ है वह ब्रजभाषा में था, तो ब्रजभाषा के कुछ शब्द हमने यहाँ पर लिए हैं और उसका हम आपको छत्तीसगढ़ी में उसका शब्द बता रहे हैं कि जो ब्रजभाषा के शब्द हैं उसका छत्तीसगढ़ी में क्या शब्द है उसके लिए। तो कांधे क्या होगा? कांधा। पांव गोड़। मीत संगवारी। लव ले। प्रात बिहनिया। कित कतका। होइगो होगे। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा ब्रजभाषा के शब्द और छत्तीसगढ़ी के शब्द। आइए बच्चों अब हम आगे चलते हैं, पर्यायवाची शब्द की ओर चलते हैं। तो बच्चों पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनके अर्थ में समानता होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं पंकज। तो पंकज को हम और किस नाम से जानते हैं? नीरज, राजीव, अरविंद, जलज, पुष्कर। ठीक है बच्चों, जब हम कुछ कविता लिखते हैं, ठीक है बच्चों, तब हम वहाँ पर क्या करते हैं, पंकज के जो और भी पर्यायवाची शब्द हैं उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं ताकि हमारी जो कविता है वो और भी प्रभावशाली लगे। भृंग। भृंग को और हम किस नाम से जानते हैं? भौंरा, भ्रमर, मिलिंद, मधु, मधुकर। तो बच्चों पर्यायवाची शब्द आप हमेशा भौरा ही आपने शब्द जो है सुना होगा, तो हो सकता है जब आप कोई और साहित्य पढ़े, कोई काव्य पढ़े, तो वहाँ पर भ्रमर, मिलिंद या मधुकर शब्द आए, तो हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए कि वह भृंग भी कहते हैं उसे हम, भौरा भी कहते हैं, मिलिंद भी कहते हैं, मधुप या मधुकर भी कहते हैं। अगला है दिवाकर। सूर्य दिनकर, भानु, भास्कर, आदित्य, दिनेश। अगला है बच्चों महेश। तो इसे हम और क्या क्या कहेंगे? सुरेश, शंकर, नीलकंठ। तो बच्चों जब आपने ये पर्यायवाची शब्द आप जान गए हैं, तो जब भी आप कोई कविता की रचना करते हैं तब आप इन पर्यायवाची शब्दों का वहाँ पर उपयोग अवश्य कीजिएगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, अब हम चलते हैं विलोम शब्द की ओर चलते हैं। विलोम शब्द किसे कहते हैं बच्चों, बताइए किसे कहते हैं? किसी शब्द के विपरीत जो शब्द होता है, जिस उसके विरुद्ध जो शब्द होता है उल्टा, उसे हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। आइए बच्चों कुछ उदाहरण हम देखते हैं। सोवत सोवत, जागत, सुमिरन विस्मरण, प्रेम घृणा, भय निर्भय, तृप्त का विलोम होगा अतृप्त, परिजन परायाजन और अति न्यून। आइए बच्चों आगे अब हम चलते हैं, आपके लिए एक गृह कार्य है कि इस पद में जो है सखी के मन में उलझन है कि वह क्या करे और कहाँ जाए। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी अनेक उलझने होती है जिसे हम हमेशा हमारे मन के अंदर ही वो रह जाता है कि हम उस विचार को, हमारे अंदर जो उलझन है उसे हम किससे कहें। तो बच्चों क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो इस विषय पर अपने साथियों के साथ, अपने माता पिता के साथ चर्चा कीजिए और अपने अनुभवों को लिखकर अपने कक्षा शिक्षक को दिखाइएगा। तो धन्यवाद बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि यह जो कविता है वह आपको समझ में आया होगा।